हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी गाजर के पेड़े, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही कम समय में, कम सामान में, बहुत ही इंस्टेंट झटपट तरीके से किस तरह से आप गाजर के पेड़े बना सकते हो। और आप इसे पूरे 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो देखते हैं इसका वीडियो किस तरह से ये वीडियो बनाए जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो गाजर के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने गाजर को लिया है। गाजर को सबसे पहले हमने धो लिया है, ये आधा किलो गाजर है। तो इस गाजर को हमने धोने के बाद में इसे छील लिया है, और छीलने के बाद में हम इसे इस तरह के छोटे वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे। तो इस तरह से हम सारी गाजर को ग्रेट करके कंप्लीट करेंगे पहले। तो सारी गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो बड़ा वाला कद्दूकस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इससे छोटे वाले से किया है, क्योंकि इससे गाजर के जो इस तरह के पीसेस होते हैं बहुत ही ये फाइन होते हैं, ज्यादा मोटे मोटे नहीं होते हैं, बढ़िया से कद्दूकस होता है। तो गाजर कद्दूकस कर लिया है, गाजर रेडी है। और गाजर के साथ साथ मैंने कुछ सामान भी लिया है। एक कटोरी लिया है मैंने शुगर, चीनी लिया है, और एक कटोरी लिया है मैंने मलाई वाला दूध, एक कटोरी लिया है सूजी, एक कटोरी लिया है मैंने नारियल का बुरादा, और 1 से 1.5 चम्मच लिया है मैंने देसी घी। और गार्निश के लिए लिया है 8-10 पिस्ता लिए हैं, जिसको मैंने बारीक इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है, और 8-10 काजू, 8-10 बादाम लिए हैं, चिरौंजी लिए हैं, और किशमिश लिए हैं। इसको भी मैंने, जो बादाम के पीसेस थे उसको भी मैं इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। तो चिरौंजी, किशमिश और बादाम है आपके पास में, जो भी आपको अच्छे लगते हो ड्राई फ्रूट्स आप उसका यूज कीजिए। और साथ ही मैंने 5 से 6 हरी इलायची लिए हैं, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। और इसके बाद में हम इस गाजर के पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो गैस चालू करेंगे। तो गैस मैंने चालू कर दिया है, कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हो गई है गर्म। तो इसमें डालेंगे ये देसी घी, 1 चम्मच था मैंने ये डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा हम पिघलने देंगे पहले। तो आधा घी मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो चुका है। तो इसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, बादाम लिए थे, किशमिश और चिरौंजी लिया था, उसे मैं हल्का सा इसमें भून लेते हैं घी में। इससे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और लड्डू भी जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो बस इसे 1-2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। तो बस 1 से 1 मिनट हो गया है, और आप देख सकते हैं जो किशमिश थी वो उसका भी फूलना स्टार्ट हो गया है। बस ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना ही भूनना है। आप देख सकते हैं जो किशमिश थी एकदम फूल के बढ़िया हो गई है। तो बस इसे एक साइड में कर लेते हैं, ताकि जो घी है वो नीचे की साइड में आ जाए, और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, और इसे रख देते हैं एक साइड में। जो इसमें घी बचा हुआ है बाकी का, उसमें डालेंगे ये सूजी डालेंगे, और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। तो लगातार इसे चलाते रहेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे, जब तक कि अच्छी सी खुशबू नहीं आनी स्टार्ट हो जाती है और इसका कच्चापन निकल जाए। तो बस हल्का सा गोल्डन करेंगे इसे। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, जो सूजी का कलर था हल्का सा चेंज होने लगा है, हल्का सा गोल्डन होने लगा है। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, और इसे भी सूजी के साथ ही भूनेंगे, क्योंकि इसमें सूजी में जो घी पड़ा हुआ है उससे जो नारियल है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो बस 3-4 मिनट के लिए इसे ही भूनेंगे, एक अच्छी खुशबू आने तक, और गैस बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो बस 3-4 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छी सूजी से और नारियल से खुशबू आने लगी है, बढ़िया हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है। और इसके बाद में इसमें डालेंगे जो हमने गाजर ग्रेट किया था उसे इसमें डालेंगे। और बस इसे भी इसके साथ ही मिक्स कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि जो गाजर का कच्चापन है वो गाजर पक जाएगी, तो मिक्स करेंगे इसे। तो गाजर को मैंने मिक्स कर लिया है, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे मलाई वाला दूध डाल देते हैं, फुल क्रीम मिल्क, और इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका, बिल्कुल मावे जैसा। तो बस इस सब को मिक्स करेंगे पहले। गैस बिल्कुल मीडियम रखेंगे, लो रखेंगे, ताकि तली में जमे ना।
बस अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध को मैंने मिक्स कर लिया है इसके साथ ही, और अब इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी डालने से इसमें थोड़ा सा थोड़ा ये लूज हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी, क्योंकि ये चीनी थोड़ी पिघल जाती है। तो बस इसको चला के इसे भी मिक्स करेंगे। इसमें चीनी के मेल्ट होते ही थोड़ी सी इसमें ये पतली हो गई है, तो बस इसे लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल गाढ़ा करेंगे पेड़े बनाने की फॉर्म में। तो बस इसे लगातार चलाते रहेंगे, और इस स्टेज पे आप जो गैस है उसे हाई कर सकते हो, क्योंकि चीनी से ये पतला हो गया है। तो बस लगातार इसे चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो मैं लगातार इसे चला रही हूँ, पहले से ये गाढ़ा हो गया है, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने उनके तल के रखे थे घी में, उसे डाल लेते हैं इसमें। और इसके बाद में जो मैंने हरी इलायची का थोड़ा सा दरदरा पाउडर बनाया था उसे भी इसमें डाल लेते हैं। और इसको डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेते हैं, और इसे बस 2-3 मिनट के लिए अभी और पकाएंगे, जब तक ये जो इसका गाजर का ये मैंने बनाया है पेस्ट ये बिल्कुल तला नहीं छोड़ने लग जाता है, तब तक इसे पकाना है। तो बस 2-3 मिनट के लिए भी और पकाना है इसे। तो बस 2-3 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं जो गाजर का ये पेस्ट है वो बिल्कुल तला छोड़ने लगा है। तो बस इसे अब गैस को बंद करेंगे और इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं इसे। तो मैंने एक प्लेट ले ली है, और इस प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। उसे अब इस प्लेट में छोड़ देते हैं ऐसे ही, तब तक ये ठंडा हो जाएगा ताकि हम इसके पेड़े बना सकें अपने हाथों से। तो जब तक ये छूने लायक नहीं हो जाता है तब तक इसे ठंडा कर लेते हैं। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, हाथ से छूने लायक ही हो गया है, तो बस इसके बनाएंगे अब पेड़े। तो आपको जितने बड़े पेड़े बनाने हैं, छोटे बड़े, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका लीजिए। इस तरह से पहले इसका लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद में इस तरह से थोड़ा इसे ओवल शेप देंगे, और ये थोड़ा सा मैंने कोकोनट का बुरादा लिया है, और थोड़ा सा इसमें से कोट करेंगे इस तरह से। कोट करने के बाद में इस तरह से, और थोड़े से मैंने ये पिस्ता लिए थे, और इस पिस्ता से इस तरह से इसे लगा के थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम सारे गाजर के पेड़े रेडी करेंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो इसे बार बार ट्राई करेंगे। तो बस इसी तरह से बना बना के हम इस तरह का मैंने एक डब्बा लिया है, उसमें हम इसे रख लेंगे। तो सारे पेड़े इसी प्रोसेस से रेडी करेंगे, और आप जब ये मिठाई एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे, और ये पूरे 15 से 20 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी ये गाजर के पेड़े किस तरह कैसे लगे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।